हाय गाइस, वेलकम बैक टू वेस्टी क्लासेस। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं स्केलर एग्जाम की। और इससे पहले आप लोगों को फिजिक्स का आइडिया सर ने यहाँ पे दे दिया है कि आपका जो साइंस है उसका क्या सिलेबस है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। और आज के सेशन में आपको बात बताने वाला हूँ कि हम स्केलर की जो मैथ्स है उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। और आई होप आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा। और एक मैक्सिमम कितने मार्क्स का आ रहा है, या आपका आ रहा है मैक्सिमम 50 मार्क्स का। तो जो सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है वो करना है 9th और 10th मैक्स। इससे ऊपर आपको यहाँ पे नहीं जाना है, तो 9th का और 10th का। और मैं ये कहूँगा कि आपको कौन सी बुक्स की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से समझ लो। क्लास 7th 8th, ये भी आपको चाहिए। कौन सी वाली बुक? RS अग्रवाल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 7th और 8th की जब आप RS अग्रवाल देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई बुक्स की बात, सिलेबस में क्या क्या है वो जान लेते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अभी पहले से क्लियर हो और जब आप तैयारी करने बैठो तो उससे पहले आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है। अब दूसरी बात, इसको नोट कर लो, ठीक है। अगला मैं जो बता रहा हूँ उसमें सिलेबस क्या क्या है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझना। बुक्स कौन सी यूज़ करनी है ये 9th 10th के लिए बताऊंगा अभी। मैंने अभी आपको 7th 8th की RS अग्रवाल बताई जो कि बहुत काम की है। कितने मार्क्स का पेपर है ये आपको क्लियर है। अब ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। तो सबसे पहला है आपका संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, राइट। यानी वास्तविक संख्या आप जिनको बोलते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या हो गई। नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सिर्फ आपके 9th 10th के नहीं होंगे, वो आप 7th से उठा लो। यानी 7th में आपने जिस तरह के क्वेश्चन किए हैं, 8th में जिस तरह के क्वेश्चन किए हैं, 9th में भी आपका चैप्टर है, फिर आगे जा के आपका नंबर और आपके इलेबोरेट होते रहते हैं। जैसे पहले आप स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हो कि नंबर सिस्टम में आपके पास है भाई नेचुरल नंबर। ध्यान से एक एक चीज को समझना, फिर होल नंबर, राइट, फिर इंटीजर आता है। और ये आप दोनों की दोनों चीजें कहां पे पढ़ चुके हो? 7th और 8th में आप आराम से पढ़ चुके हो। फिर जब 9th में आते हो आप, तो 9th में आपने क्या पढ़ा है वहां पे? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। क्या पढ़ा है? रियल नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे नेचुरल नंबर, होल नंबर 7th 8th में पढ़ चुके हो, वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। 9th में आपने पढ़ा है रियल नंबर जो आपकी वास्तविक संख्या है आपकी, और 10th में भी आपको इसका ही पार्ट मिला है। 9th और 10th में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है? आपका जितने भी नंबर आप लिख सकते हो, जितने भी लिखते आए हो, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। चाहे रूट में हो भाई, √2 हो गया, √3 हो गए, ठीक है। ये जो नंबर है आपके क्या है? ये आपके रियल नंबर है, रूट वाले हो गए। इसमें हाफ आ गया, नेगेटिव हाफ, फ्रैक्शन में भाई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म है, जिनको आप क्या बोलते हो? रेशनल नंबर बोलते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँ अगर 3/5 भाई, पॉजिटिव में आ गया। तो जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, ध्यान से समझना, चाहे नंबर फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, 2.57 यानी डेसिमल में हो, और भी जितने टाइप के नंबर आप लिख सकते हो, 2^1/3 भाई कुछ भी लिख लो, 2^1/3। तो जितना भी मैं लिख रहा हूँ, ये जितने भी तरह के आप नंबर लिखते आए हो, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, राइट, चाहे आपका 2.33 हो, समझ रहे हो, जिसको हम 2.3 का बार लिख देते हैं,
तो जितने भी नंबर आपने लिखे हैं अभी तक का, वो सारे नंबर किस में आते हैं आपका, वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो रियल नंबर को दो पार्ट में तोड़ा जाता है, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। ठीक है, रेशनल क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपने सुना होगा, वास्तविक संख्या, ये आपका रियल नंबर है क्या, ये आपकी वास्तविक संख्या है, ये आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। फिर इसमें दो पार्ट में इसको तोड़ते हो, परिमेय या परिमेय, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्या वो होती है जिनको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि आपकी रूट टू वाली हो गई, रूट थ्री वाली हो गई। इनका होता क्या, जब इसको सिंप्लीफाई करो ना कैलकुलेटर में करके देखना, तो पॉइंट के बाद ना आपको कोई पैटर्न नहीं मिलता और वो कभी एंड ही नहीं होता है, पॉइंट के बाद नंबर आते जाएंगे, कोई पैटर्न भी नहीं बनेगा। जैसे पैटर्न की बात मैं करूं, जैसे मैंने यहाँ पे 2.3333 लिखा है, यहाँ मैं लिखूँ 5.472472, तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, देखो 472472 रिपीट हो रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 472 का बार, या आप लिख सकते हैं इसको 472 का बार, क्योंकि रिपीट हो रहा है। राइट तो यहां पे ये जो संख्या है, इसके ऊपर बार लगा रहा हूं मैं, इसको भी आप पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पॉइंट के बाद एक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो ये इरेशनल नहीं है, इरेशनल वो होती है जब आपके पॉइंट वाले नंबर खत्म नहीं होते हैं और उसमें कोई पैटर्न भी नहीं बनता है। जैसे खत्म तो यहां भी नहीं हो रहा भाई, 472472 आता ही जा रहे हैं, अब आपको कि खत्म नहीं हो रहा, तो भाई इरेशनल है, इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसमें पैटर्न बन रहा है। जहां भी पैटर्न बनता है वहां पे आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो क्या हो गया, परिमेय हो गया, यानी इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हो तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। समझ रहे इस चीज को आप? ठीक है, अब देखो ये आपका परिमेय, अपरिमेय जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते, जैसे आपके रूट टू हो गए, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट फोर मत लिखना दोस्त, रूट फोर आपका टू होता है, टू को आप 2.1 लिख सकते हैं, तो ये आपका परिमेय है। तो ये तो आपका नंबर का हो गया सेग्रीगेशन, यानी किस तरह से आपको करना है उसके बारे में आपको एक हल्का सा पता होना चाहिए। तो नंबर सिस्टम में आपको सारे नंबर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कभी कभार यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। बाकी इनकी डिटेलिंग मैं आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। बुक्स बता चुका हूँ, सेवन्थ की है, एट्थ की है, नाइन्थ की है और टेंथ की है। नाइन टेंथ में आरडी शर्मा एनसीईआरटी बुक, जितना लेंगे जितना ज़्यादा करेंगे उसके क्वेश्चन उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। पेपर आपका बहुत जल्दी है, आपको पता है इसके बारे में, तो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो नंबर सिस्टम बताया, इसके बाद मैंने आपको वास्तविक संख्या बता दी। ठीक है, संख्या प्रणाली है, फिर आपकी वास्तविक संख्या है बहुपद, इसको देखते हैं बहुपद, क्लियर ऑल कर रहा हूँ मैं यहाँ से। अब देखो बहुपद, ये होता है आपका पॉलीनोमियल, क्या होता है, पॉलीनोमियल्स भाई कितने डिग्री का है, एक डिग्री का, दो डिग्री का, तीन डिग्री का। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x+3, तो ये आपका है रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पॉलीनोमियल, क्योंकि यहां पे x की पावर कितनी दिख रही है भाई, 1 दिख रही है। ठीक है, अगर मैं लिखूं पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x² + 3x + 2, तो यहां पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। और पॉलीनोमियल में ध्यान रखना पावर फ्रैक्शन में नहीं होती है दोस्त, ठीक है, वो डिटेल में और बात करेंगे, नो नीड टू वरी, अभी खाली सिलेबस कैसा है, कितना है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका हो गया लीनियर पॉलीनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जैसे आपका एक और लिख दूं मैं, वो आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल हो जाएगा, या 3x³ ले लो प्लस 4x² प्लस 5x + 7, तो ये आपका है क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है भाई, 3 है। तो यहाँ पे बहुपद कैसे इसके जीरोज निकालते हैं, राइट, जीरोज या बोलेंगे रूट्स, और हिंदी में अगर बात करें तो बोलते हैं शून्यक। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसके शून्यक। तो यहां पे कैसे इसके शून्यक निकालते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई इसके शून्यक ये हैं या कोई और हैं, फिर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यानी इस तरह की चीजें यहां से आपसे
पूछी जाएंगी। अगला देखिए, अगला है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ध्यान से। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, इसमें लिखते कैसे इसको ध्यान से समझना। ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है जिसको आप रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब दो चर वाले बोल रहा है तो भाई इसमें दो चर हैं आपके, एक तो है x और एक है y, ठीक है। चर मतलब वेरिएबल, अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको केसेस पता होने चाहिए। जैसे मान लो दो आपके पास इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ आप कैसे निकालेंगे, कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसमें तीन केसेस बनते हैं। ये दो लाइन है, पहले लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग हो जाए, यानी क्या हो जाए, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे किसी बिंदु पर। हो सकता है भाई एक के ऊपर एक लाइन हो जाए ओवरलैप्ड, या भाई लाइन मिले ही ना, एक ये है दूसरी ये है, लाइन क्या हो पैरेलल हो। तो जब लाइन एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो भाई कोई सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यानी एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे हर एक पॉइंट क्या इंटरसेक्टिंग है, तो यहाँ पे निकलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये केसेस यहाँ पे बनते हैं, तो इस पर बहुत सारे केसेस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका द्विघात समीकरण। जैसे मैंने बोला आपके पास क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, जैसे आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब आप इसको किसी नंबर से इक्वेट कर दोगे, जैसे मान लो मैं इसको जीरो से इक्वेट कर दूं, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, तो ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या क्या चीजें होती हैं भाई, सम ऑफ रूट, मान लो अल्फा और बीटा, मैं इसके रूट्स बोल दूं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, करेक्ट। जहां पे ए क्या है आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स, और सी आपका कॉन्स्टेंट टर्म, करेक्ट। और यहां पे और क्या पूछता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं विविक्तर, और ये क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो जब d की वैल्यू भाई साहब जीरो से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव होगी, तो भाई आपके होते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी दो आपके पास वास्तविक इसके शून्यक होते हैं, दो वास्तविक शून्यक अलग अलग, ठीक है। d अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो इसके होते हैं रियल एंड इक्वल रूट, यानी दो वास्तविक बराबर वाले शून्यक। तीसरा, जब d आपका नेगेटिव हो जाए यानी जीरो से छोटा, तो आपके क्या निकल के आते हैं, आपके यहाँ पे निकल के आते हैं नो रियल रूट, यानी कोई भी वास्तविक इसका शून्यक नहीं होगा, इमेजिनरी शून्यक होंगे, यानी क्या होंगे, क्या बोलते हैं इमेजिनरी को हिंदी में, अभी मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, ठीक है, इमेजिनरी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे तीन तरह की कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता है आपको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, क्लास टेंथ में मिल जाएगा। आई होप बात समझ रहे होंगे द्विघात समीकरण में क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं और क्या क्या यहाँ से पूछ सकते हैं। अगला देखिए, समांतर श्रेणियाँ, समांतर श्रेणियाँ, ये आपका एपी होता है, क्लास टेंथ में मिलेगा आपको ये टॉपिक। कहाँ मिलेगा, जो द्विघात समीकरण बताया वो भी क्लास टेंथ में मिलेगा, और ये भी आपको कहाँ मिलेगा, क्लास टेंथ में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने सुना होगा हल्का सा कि भाई ए
ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, राइट। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं आप, अगर मैं इस वाले टर्म में से ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, तो ए टू माइनस ए वन करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी डी मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी डी मिलेगा, यानी जो आपका सार अंतर है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे nth टर्म निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आपका ये आ जाता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अगर समेशन के फॉर्मूले की बात करें तो n बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या एक और फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस ए एन, करेक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए, यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। आगे देखो, तो अगला आपका है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यह आपका होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये टॉपिक भी आपको क्लास टेंथ में मिलेगा। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला की दो पॉइंट है भाई, उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो भाई जैसे ये मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, राइट। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे इस तरह के आपके फॉर्मूले यूज़ होते हैं। दूसरा, इसमें मान लो ये एक लाइन है और ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, कोई दूसरी लाइन इसको किसी पी पॉइंट पे कट कर रही है, और ये पी पॉइंट आपका एक्सटर्नली भी हो सकता है और इंटरनली भी हो सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ एक छोटे से पार्ट से आपको, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, ध्यान से समझना। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, और ये पी पॉइंट पे कट किया मान लो, तो इसके पॉइंट्स क्या हो गए, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो वो जो लाइन है वो इसको के इज टू वन में कट करेगी, या फिर आप ये तो के इज टू वन भी आप लेते हैं और आप m इंटू एन भी लेते हैं, m इंटू एन नहीं मतलब m इज टू एन, तो ये इस रेशियो में इसको कट करेगी, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ये पॉइंट एक्सटर्नली हो तब क्या होगा, इंटरनली हो तब क्या होगा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत काम की है, तो ध्यान से समझ लो हर चीज़ को। आगे देखो, अब आपका है यूक्लिड ज्यामिति। यूक्लिड, इसके पॉस्टुलेट हैं फाइव पॉस्टुलेट, तो डायरेक्टली आपको पता होने चाहिए यूक्लिड ज्यामिति। इसमें भी बहुत काम की चीज़ें, तो इतना डिटेल में इसको इसमें अभी बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके फाइव पॉस्टुलेट होते हैं। जैसे मान लो एक लाइन है वो बिल्कुल सीधी होती है, आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो वो सही चीज़ें हैं, मतलब जो होती हैं रियल लाइफ में, मतलब जो रियलिटी में होती हैं उसको आप एक्सप्लेन क्या करोगे, लेकिन हाँ वो आपको फाइव पॉस्टुलेट पता होने चाहिए। अब जैसे एक पॉइंट है उससे आप इन्फाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, करेक्ट। और ऐसे इसमें फाइव चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और भी कुछ चीज़ें हैं काम की बात है इसमें, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, तो इसमें कोई ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, और यहाँ से बात आपकी आराम से बन जाएगी, इतना टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक चीज़ क्या है उसको और मैं डिटेल में, जब आप चीज़ों को करेंगे, जब मैं सिलेबस स्टार्ट करूँगा इसका, तो उसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, सो नो नीड टू वरी, ओके। यूक्लिड आपका ज्यामिति हो गया, यूक्लिड ज्योमेट्री। अगला आपका त्रिभुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज चतुर्भुज, ये आपको क्लास नाइन्थ में मिलेगा, राइट। तो त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि हम उसको सर्वांगसम कैसे दिखाएं, राइट। और चतुर्भुज में क्या बनेंगे कि कितने टाइप के आपके चतुर्भुज होते हैं, जैसे पैरेललोग्राम हो गया जिसको आप बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, रॉम्बस हो गया सम चतुर्भुज, आपका रेक्टेंगल हो गया आयत जिसको बोलते हैं, स्क्वायर हो गया, करेक्ट, आपका सम चतुर्भुज हो गया जिसको आप बोलते हैं ट्रेपेजियम या ट्रेपोजॉइड, जो भी आप बोलते हैं इसको,
तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके डायगनल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्क्वायर और सम चतुर्भुज में क्या डिफरेंस, करेक्ट? तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, इनके बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। इसमें आपको ट्राइंगल में है नहीं वो आपका कॉन्ग्रुएंसी, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। सिमिलैरिटी, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। सिमिलैरिटी आपका क्लास टेंथ में और कॉन्ग्रुएंसी आपका क्लास नाइन्थ में। तो ऐसी चीज़ें आपको चतुर्भुज में, टाइप्स ऑफ चतुर्भुज क्यों, कितने टाइप के होते हैं, उसमें एंगल निकालने को पूछ सकता है या कोई कंडीशन प्रूफ करने को बोल सकता है, करेक्ट? चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, और इसमें किस तरह से प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं आप, कब किस में डायगनल बाइसेक करते हैं, किस में डायगनल बाइसेक नहीं करते हैं, किस में डायगनल बाइसेक 90 डिग्री पे करते हैं, किस में नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही हैं। तो बहुत डिटेल में है ये टॉपिक, इसमें आपको टाइम लगने वाला है, तो इसको तो बहुत डिटेल में आपको करना पड़ेगा, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है भाई, ध्यान रखना। इसमें पढ़ने के बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करने के लिए टाइम आपको चाहिए अलग से, ठीक है? अगला आपका है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल में ये आपको मिलेगा एरिया ऑफ सर्कल, कहाँ पे, क्लास टेंथ में। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, वृत्त का क्षेत्रफल नॉर्मली पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे आपका सेक्टर पूछ लेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। जैसे ये आपका है, ये सेक्टर हो गया, ठीक है, ये आपका सेगमेंट हो गया, ऊपर वाला बड़ा सेगमेंट, नीचे वाला छोटा सेगमेंट, मेजर माइनर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत आती हैं। अब भाई लेंथ ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर में क्या रिलेशन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे बहुत यूज़ होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। अब आपका आता है उसके बाद सतह क्षेत्रफल एवं आयतन, सतह क्षेत्रफल एवं आयतन, करेक्ट? तो यहाँ पे आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इनके वॉल्यूम यानी इनके आयतन, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट, यानी कर्व सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया, क्यूब क्यूबॉइड, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये आ गया स्फेयर आ गया, करेक्ट, हेमीस्फेयर आ गया, तो इस तरह की चीज़ें आपकी यहाँ पे बनती हैं। इसमें कर्व सरफेस एरिया, आपका टोटल सरफेस एरिया, इनके वॉल्यूम्स, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला है आपका त्रिकोणमिति एवं अनुप्रयोग, ट्रिग्नोमेट्री, भाई इसको तो कैसे भूल सकते हो आप, ट्रिग्नो, साइन कॉस, साइन कॉस, टेन कॉट, कोसेक सेक, इनकी टेबल, भाई साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थर्टी की कितनी होती है, पूरी टेबल है इनकी, तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। साइन थर्टी जैसे कितना होता है, 1/2, साइन थर्टी की अगर मैं बात करूं 1/2, टेन 45 1, कॉस 45 1/√2, करेक्ट, 1090 नॉट डिफाइंड, इसको इन्फिनिटी आप बोलते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद इनके अनुप्रयोग, तो इनके अनुप्रयोग में ना टेन का फॉर्मूला बहुत ही होता है, यानी 1060, 1045, 1030, ये तो आपको रटी होनी चाहिए, ये 1 और ये 1/√3, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मान लो एक बंदा नीचे खड़ा है, इसकी अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, अनुप्रयोग मतलब इसके एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन में क्या होता है भाई, एक बंदा है वो इस टावर को देख रहा है, तो भाई ये जो टावर को देख रहा है, इसका जो एंगल बनना है टावर को देखने का, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो 30 है और बिल्डिंग की हाइट है मान लो 20 मीटर, तो बताओ वो बिल्डिंग के जो बॉटम है उससे कितना दूरी पर है, तो भाई ये पूछ लेगा आपसे। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे आप, साइन जैसे साइन है आपका, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पाइथागोरस आपका राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो गए, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बट्टे कर्ण, ये लंब बट्टे कर्ण, टेन क्या होता है, टेन आपका होता है बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे पता होनी चाहिए, और यहाँ पे ये बताऊंगी तो उसके बाद आप आराम से जो इसके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन हैं, आप उनको बहुत आराम से कर सकते हैं। ये यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं और बहुत आसान भी होते हैं यार। अगर आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्री के फंडे क्लियर हो गए ना, तो इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं, करेक्ट। और उसके बाद आपका आता है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। तो इसमें नाइन्थ और टेंथ ये तो आपको यहीं से उठाना है, सांख्यिकी और प्रायिकता आपको यहीं से उठाना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेंथी क्वेश्चन भी होंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी होंगे, मीन मोड मीडियन ये आपको पता होना चाहिए। प्रायिकता में आपको नॉर्मल संख्या से यार फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसमें आपको सैम्पल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसका सैम्पल स्पेस क्या है, या कोई भी अगर घटना घट रही है तो उसका पूरा टोटल आपका सैम्पल स्पेस कितना बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कार्ड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे आपका कार्ड है उसमें कितने मतलब जोड़ी होते हैं, चार जोड़ी होते हैं आपके, उसमें कौन कौन से भाई, एक तो 26 के पहले तो 26 काले 26 लाल, तो 26 लाल में आपका एक तो हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, और 26 काले होते हैं उसमें स्पेड होता है और आपका क्या होता है स्पेड क्लब, दो होते हैं उसमें, 13 पत्ते क्लब के, 13 पत्ते स्पेड के, और डायमंड और हार्ट दोनों लाल वाले होते हैं 13-13, ठीक है। तो उसमें किंग के आने की प्रोबेबिलिटी, या किंग रेड किंग की प्रोबेबिलिटी, या ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी, या किंग ऑफ हार्ट, या किंग ऑफ डायमंड, या किंग ऑफ क्लब, या किंग ऑफ आपका स्पेड, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको कार्ड की नॉलेज होनी चाहिए, जुआ खेलने के लिए नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे आपको पढ़ना है और किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे इन चैप्टर्स में देखने को मिलेंगी। तो हमारा कोर्स यहाँ पे आपका लॉन्च हो चुका है, तो अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आज ही वेशी क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्स को परचेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।